नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि चरित्रहीन औरत की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप भी चरित्रहीन औरत की पहचान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का बटन है इसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों आज का ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिस औरत की अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से ज्यादा लंबी होती है, ऐसी स्त्रियां हालात और समय को देखते हुए अपना चरित्र बदल लेती हैं। दोस्तों ऐसी स्त्रियां अत्यधिक क्रोध करती हैं और इनका स्वभाव बहुत क्रोधित होता है और उन स्त्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत ही कठिन होता है और ये स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं और इन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिन औरतों के पैर का पिछला भाग काफ़ी ज़्यादा उठाव वाला होता है और मोटा होता है और उस भाग के निचले हिस्से उभरी हुई नसें होती है तो ऐसी महिलाएं घर के लिए बहुत ही अशुभ मानी जाती है। दोस्तों इनके उल्टे पांव अगर घर में पड़ जाते हैं तो उस घर को ये बर्बाद कर देती हैं। ये स्त्रियां इतनी भयानक होती हैं कि ये घर को साफ कर देती हैं। पति की मौत भी हो सकती है और ये चरित्रहीन औरतें कभी भी अपने पति की बात नहीं मानती। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिन औरतों का ललाट यानी कि माथा ज़्यादा लंबा होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। वो अपने पति के लिए कभी भी भाग्यशाली औरत नहीं बन सकती। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है वे अपने परिवार के लिए बहुत ही अशुभ होती हैं। तो दोस्तों अगर आप महिलाओं में ऐसे संकेत देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये महिलाएं अशुभ होती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आप रोजाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें।